सबसे पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में, हमारे कोमल जी, इनके बारे में बताएंगे। तो कोमल जी के साथ में ऑलरेडी हमने कमर्शियल्स की है, सारी जितनी भी मेरे लाइफ में कमर्शियल्स हम लोगों ने की है वो सारी हम लोगों ने साथ में ही की है। और जब हम लोग आइडिया पे काम कर रहे थे, आई वॉज हैविंग अ स्क्रिप्ट ऑलरेडी, है ना। बट जब ये सिचुएशन चल रही थी, हर कोई अपने अपने घर पे परेशान था, तो इस स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हो रहा था कि कोई ना कोई डेफिनेटली इस स्क्रिप्ट को लेके, इस सिचुएशन को लेके, इस कोविड के इस महामारी को लेके डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचेगा। एंड आई वॉज हैविंग अ स्क्रिप्ट, सो आई सेड कि यार वी कैन जस्ट पुट दैट सिचुएशन इन दैट, वो पीरियड है। आप अगर फिल्म देखोगे तो उसमें आपको कोविड रिलेटेड पीरियड पता चलेगा, सिचुएशनल वो कॉमेडी ही है ना। और बस इंस्पिरेशन मिला, जैसे मैंने कहानी शेयर की तो शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड एंड शी सेड कि यार दिस इज़ गुड, वी कैन मेक इट। आफ्टर दैट वी गॉट कनेक्टेड टू आर आर्टिस्ट, लाइक और भी एक्टर्स से कनेक्ट हुआ, बहुत लोगों को कहानी सुनाई गई, सब ऑनलाइन ही हो रहा था, जैसे हर कोई अलग अलग जगह पे बैठा था, राइट फ्रॉम माई टीम ऑल्सो, हर किसी को सेट पे आने के लिए 3 महीने लग गए थे। तब तक तो हम लोग सब लोग ऑनलाइन ही बात करें, तो नरेशन हुआ, फिर उसमें ही इश्तियाक जी मिले एंड देन सुब्रत दत्ता जी मिले और सुनीता जी, इन लोगों से बात हुई, इनको कहानी अच्छी लगी एंड दे गॉट इंस्पायर्ड एंड देन इट्स टीम्ड, हम लोगों ने टीम अप किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग इट। सो द थिंग इज सी, हर बार इस सिचुएशन से हर कोई जूझ ही रहा था, मैं खुद भी जूझ रहा था, मतलब मुझे भी वही इरिटेशन हो रहा था, मेरे प्रोड्यूसर्स जूझ रहे थे, मेरे एक्टर्स जूझ रहे थे। बट उस पीरियड में हम लोगों ने बस इतना ही इनिशिएटिव लिया कि यार इस पीरियड में अगर हम काम कर सके तो शायद हम अपना मन या अपनी टीम, अपनी क्रू को जिंदा रख सकते, तो वी जस्ट ट्राई टू डू दैट। एंड उसमें हम लोगों ने इस सिचुएशन, मैं घड़ी घड़ी इसी के लिए सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि वो पीरियड यूज़ किया है, कि जैसे 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था उस डेट की बात है, बाकी ओवरऑल कहानी आपको फिक्शन ही मिलेगी, दैट इज नॉट रिलेटेड, नथिंग इज रिलेटेड टू कोविड, इट्स ऑल फिक्शन, इट्स अ फिक्शन स्टोरी ऑफ अ रैट किलर हु गॉट अ हॉक्स कॉल फ्रॉम वन मैन हु वांट टू किल समवन, और वो गलती से गूगल के तरीके से सर्च करने में गलती हो जाती है और रैट कॉन्ट्रैक्ट किलर को कॉल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और वो पहुँचने के बाद में लॉकडाउन होता है, और फिर दोनों भी एक ही बंगले में फंस जाते हैं, और फिर कहानी क्या आगे लीड करती है, दैट्स द स्टोरी इज अबाउट। एक्चुअली सर के साथ मैंने काफ़ी सारी टीवीसी कमर्शियल्स हम लोगों ने की है, और सर का क्या है ना कि सर इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी, मतलब सर एडिटर भी है, सर राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, तो उनके साथ काम करने में हमेशा मुझे मज़ा आता है, और अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उनके पास होते हैं, और जो ट्रीटमेंट वो देने की कोशिश करते हैं एक फिल्म को, एक स्क्रिप्ट को, वो अमेजिंग होता है। आक्षी पर आधारित है कि एक फिल्म, क्योंकि ठीक पूछिए, फिर से पूछिए, फिल्म का जो विषय है वो बताइए, जो टाइटल आपने रखा है, ये टाइटल के बारे में डिस्कस कीजिए। टाइटल तो राइटर और डायरेक्टर ने रखा है, और वैसे टाइटल क्या है कि एक घटना होती है किसी भी, जैसे किसी ने खांस दिया, किसी ने छींक दिया, तो छींक के कारण कितना बड़ा एक कहानी रची दी जाती है, और उसमें क्या क्या होता है, सटायर जो है कि आप एक छोटी सी चीज़ है और वो कितनी मुसीबत खड़ा कर देती है लोगों के लिए, इस कहानी से वो दिखाया गया है। और छोटी छोटी चीज़ें जो समाज में हम अक्सर उसको फेस करते हैं, उन पे थोड़ा कटाक्ष है, तो कहानी जो है पूरी तो बता नहीं सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप लोग जब देखेंगे तब मज़ा आएगा, लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि कोरोना के समय जब लोग परेशान थे, सारे लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे, तब हम लोगों ने परमिशन लेके और बड़ी मुसीबत से ये फिल्म बनाई है, और कॉमेडी फिल्म बनाई है। इन मुसीबतों के साथ भी हम लोगों का उद्देश्य ये था कि लोगों को कैसे रिलीफ दिया जाए, कैसे हंसाया जाए, ताकि लोग जो इस मुसीबत से गुजर रहे हैं वो थोड़ा कम हो। मेरा किरदार जो है इसमें, वो एक ऐसा किरदार है जो मजबूर है, बेचारा काम धंधा उसका चलता है, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में उसका सारा काम फंस गया है, तो अब वो इसमें है कि भाई किसी प्रकार से काम कैसे करें, घर कैसे चलाएं, और उसे एक ऐसा काम मिलता है जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी इंसान को क्या क्या करवा देती है, वो मेरा कैरेक्टर उसमें फंस जाता है,
और धीरे 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 वो सोचता अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लेंगे, ऐसे में वो फंसता चला जाता है, मुसीबतों के पहाड़ उसके ऊपर लद जाते हैं। तो ऐसा कैरेक्टर है। देखिए निर्देशक जो है लकी हंसराज जी हैं और उनका काम करने का अंदाज़ जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा है कि वो पहले तो पूछते हैं एक्टर से कि आप कैसे सोचते हैं, आप क्या देखते हैं इस कैरेक्टर के बारे में और कैसा करना चाहते हैं। उसके बाद जब वो सुन लेते हैं फिर उसके बाद वो बताते हैं कि नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे से ऐसा हो। तो फिर दोनों को मिलाते हुए मैं क्योंकि एक्टर हूँ तो निर्देशक का भी जो वो बोल रहे हैं साथ में मैं जो चाह रहा हूँ उसको थोड़ा मिक्सअप करते हुए मैं काम किया मैंने उनके साथ और बड़ा मज़ा आया। देखिए मेरे साथ मेरे सीनियर हैं जैसे सुनीता जी हैं और सुब्रत भाई हैं, ये लोग परिपक्व लोग हैं, इन्होंने पहले बहुत काम किया है, थिएटर भी किया हुआ है, तो इनके साथ काम करने का अनुभव यही रहा है कि जैसे हम लोग मिलकर नाटक करते हैं वैसे ही हम लोगों ने फिल्म की हुई है और अच्छे अच्छे इम्प्रोवाइजेशन किए हुए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पकड़ है दोनों के अंदर जो है वो टाइमिंग की पकड़ है और कॉमेडी में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है और मुझे सबसे अच्छा काम करने में मज़ा उन्हीं के साथ आता है जिनके पास टाइमिंग हो। मेरा ये फिल्म जब मुझे मिली तब मेरे पास शायद इंडिया में लॉकडाउन जैसा चल रहा था और उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, एकदम से मेरे लाइफ में ये फिल्म आई और मैंने इस फिल्म को किया और मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि ये कॉमिक फिल्म थी एक तो, और कॉमेडी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और साथ में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इन लोगों का इतना साथ था, इतना इन लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और इसमें काम करके मैंने चीज़ों को सीखा कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे एक्टिंग का क्या फ्लो है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने सीखी। बाकी मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा इन सब चीज़ों का और मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म के आने से। मैंने इस फिल्म में जो इस्माइल नाम से करेक्टर किया है जो हीरो का दोस्त है, जो इस फिल्म में मेन लीड कर रहे हैं इश्तियाक जी, उनका दोस्त मैं बनाऊँ और बहुत फनी फनी स्टोरी है सब, बहुत मज़ा आने वाला है। इसके अलावा मैं हॉटस्टार के लिए एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ पायरेट्स साउथ अफ्रीका में जो शूट हुई है, और अभी नेटफ्लिक्स के लिए मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ ख़त्म की है त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर, अभी वो पोस्ट में गई हुई है। थैंक यू। डेट्स ना होने की वजह से मैं ये पिक्चर कर नहीं पाया और एक
एक्साइटेड हूँ, उस समय भी था कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सीनियर सुनीता दत्ता ये रोल कर रहे हैं, इश्तियाक मेरा जूनियर इसमें, सुनीता जी हैं मेरी सीनियर हैं वो भी, तो इतने लोग जब अपने साथ के लोग होते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। और जहाँ तक मैंने इसका ट्रेलर देखा बहुत ही बेहतरीन बना है, मुझे लगता है कि आपकी डेट में सबसे अच्छा क्या है, लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कॉमेडी, क्योंकि इतना टेंस माहौल लग रहा है, मूड से बाहर निकलना, लोगों को हंसने के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसी चीज़ें जब उनके सामने आती हैं तो घर में फैमिली के साथ बैठ के, और सबसे अच्छी पिक्चर की बात क्या है कि साफ सुथरी पिक्चर, साफ सुथरी पिक्चर अपने परिवार के साथ बैठ के जब देखोगे तो आप सब। और मैं कहना चाहूँगा लक्की सर को कि ऑल द वेरी बेस्ट, इसी तरह की फिल्में बनाते रहें और हमें भी काम देते रहें। एक्चुअली थिंग इज दैट ना, बीइंग अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर वी हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन अ कॉन्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बोलना चाहूँगी कि इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किसी एक्टर्स को मतलब जाके अप्रोच करे, या फिर क्योंकि उनको भी रहता है कि यार सी बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं, बड़े स्टूडियोज़ होते हैं, उनके साथ तो कोई भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है, बट व्हेन इट्स कम्स टू पैशनेट पीपल लाइक अस, यू नो कि हु आर लाइक मतलब जो फिल्म बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग प्रोसेस में बिलीव करते हैं, यू नो सो उनको, सो इसलिए ये जो टॉपिक जब मेरे पास आया, सो आई ऑलवेज फील लाइक इन माई फिल्म कॉन्टेंट शुड बी हीरो, यू नो क्योंकि मेरे पास वही एक स्ट्रेंथ रहेगी कि मैं मेरा जो सब्जेक्ट है ऑडियंस के पास कैसे मैं लेके जाऊँगी, बट आई एम सो ब्लेस्ड एंड आई रियली गॉट सम रियली रियली गुड एक्टर्स इन माई फिल्म्स, जो भी एक्टर्स थे दे ऑल आर फ्रॉम NSD एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मेरी फिल्म के लिए हाँ बोला, एंड दैट्स द रीज़न आई हैव डन दिस फिल्म एक्चुअली। सो एक्चुअली क्या है ना कि हम सब ने देखा है कि कोविड के टाइम हर कोई कितना परेशान हो गया था, हम लोगों ने सब ने झेला है, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक चीज़ से हम लोग फिर भी एक कॉमेडी एक जैसे कि छींक, एक्चुअली वाई द नेम आंची, क्योंकि आंची को लेके सब स्केयर्ड थे, सब डर रहे थे, अरे बाबा कोई भी छींक दिया तो इसको कोविड हो गया है, इससे दूर भागो, बट ये जो आंची है तो मैंने इसको बहुत ही कॉमिक वे में लेके आ गई कि भाई तुम इसको भी इंजॉय करो, सी लाइफ है, मतलब हम लोग ऐसे ऐसे कभी ना कभी हो ही जाता है कि देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, देर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रेस टेंशन, बट उसी में से भी हम लोग कैसे एक बेस्ट चीज़ निकाल रहे हैं, किसी को हंसा रहे, किसी के चेहरे के ऊपर स्माइल आ रही है, यू नो सो दैट्स द रीज़न ये आंची फिल्म हम लोगों ने पैंडेमिक के ऊपर थोड़ा सा लाइक सरकैज़म है इसमें, थोड़ी बहुत बहुत ही हम लोग आपको हंसाएंगे एक्चुअली। नो एक्चुअली सो मेरी फर्स्ट फिल्म थी वन वे टिकट, जो कि थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी और अभी वो प्राइम वीडियो पे भी है, एंड दिस इज़ माय सेकंड फिल्म एक्चुअली। सो फ्यूचर मेरी और एक फिल्म आ रही है, इट्स अ फीचर फिल्म ओनली, और एक वेब सीरीज़ मैं कर रही हूँ, और एक्चुअली जो मेरा जो बैकग्राउंड है, आई एम एड फिल्म मेकर, मतलब मैं एडवर्टाइज के बैकग्राउंड से हूँ, और मैं एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न प्रोड्यूसर, और मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा कंटेंट मैं लेके आऊँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है बचपन से, मैं चाह मतलब मुझे हमेशा क्रिएटिव जो फील्ड होता है उसमें मुझे आना था, एंड हियर आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। या सो लक्की जी के साथ मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जो हमारे डायरेक्टर हैं, और इवन पेपर प्लेट के साथ भी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट वाज नाइस। मेरा कैरेक्टर है इसमें प्रिंसिपल का, जो उसने मतलब ही इज़ द मॉरल पुलिस, जो देखता है कि मतलब गांव में कोरोना फैलाने वाले लोग ना आए, और वो सबको मास्क बांटता रहता है, सैनिटाइजर देता रहता है, उस टाइप से एक कैरेक्टर है जो कि एक अच्छा सा कॉमेडी में निकल के आया है। सर बहुत अच्छा लगा, वो थोड़ा गेटअप भी उसमें अलग है, तो अच्छा लगा, मज़ा आया। पहले मैं ये बोल देती हूँ, ये छोटा है जवाब, के किरदार जो है मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है और कॉमिक उसमें एलिमेंट है, और मुझे मज़ा आया वो किरदार करने में। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, कोविड के टाइम पर हम लोगों ने ये फिल्म शूट करी है, और बदलापुर के इंटीरियर में कहीं वहाँ आदिवासी के गाँव के पास किया था, जहाँ दूर दूर तक ना कोई दुकान थी ना कोई सुविधा थी,
लेकिन इन लोगों की टीम बहुत अच्छी थी। मेरा काम तो 3 दिन में हो गया था, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ कमी है या कुछ गड़बड़ हो रही है। और हमारी जो साउंड रिकॉर्डर्स थी वो फीमेल थी, पहली बार मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छे से शूट हुआ मेरा 3 दिन। इनफैक्ट मैंने लकी सर को शूट के दौरान ही बोला था कि कुछ पॉजिटिविटी है इस टीम में या माहौल में कि सब काम इतने अच्छे से हो रहा है। मैं बहुत लकी रही क्योंकि सुब्रत और इख्तियार दोनों के दोनों, इश्तियाक दोनों के दोनों मेरे NSD के जो हैं ग्रेजुएट ही हैं। तो हम लोगों की तो वो, अगर आपको पता चल जाता है अच्छा ये भी NSD से, तो एक फैमिली सी बन जाती है और बहुत इजी रहा। और बाकी टीम भी बहुत इजी थी, हालांकि मैं ही एक फ़ीमेल थी। कम से कम जिस दौरान मैंने शूट किया तो मैं ही एक फ़ीमेल थी, तो मेरा बड़े अच्छे से ध्यान रखा जाता था। और जिनका हमें घर मिला था, जहाँ हमारा घर दिखाया था, उनका ऊपर बहुत बड़ा एरिया था और वो जो अम्मा थी एक वहाँ पर और जो उनके बच्चे थे, जो उनकी बहुएं थी, सब उनके साथ हमारा 2-3 दिन बहुत ऐसे हंसते खेलते गुजर गया। मैंने अभी 2-3 वेब सीरीज़ करी हैं, एक रैबिट वाटर्स के साथ और एक यशराज के साथ, वो दोनों इसी साल रिलीज़ हो जाएंगी। उसके अलावा मैंने एक दो फिल्म तीन फिल्में और करी हैं। एक है पार्थिक अभिनव के साथ जो अनुराग कश्यप के असिस्टेंट हैं, सब मोम आया है, जिसमें अनु कपूर जी और शर्मन जोशी हैं। उसके अलावा मैंने एक फिल्म मैडॉक के साथ करी है, माय डियर पूजा, उसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट रोल है। और एक मैंने फिल्म करी है एंडमॉल के साथ, तो हाँ थोड़ा बहुत है।